हेलो फ्रेंड्स, द सरितास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो हमने सिर्फ कुछ ही देर में सूजी से बनाए हैं और वो इतने सॉफ्ट हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो खोए से बने हैं या किसी और से। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। कढ़ाई को गैस पे रखेंगे, उसे धीमी आंच पे हल्का सा गर्म करते रहेंगे। घी को चारों तरफ से लगा देंगे। कढ़ाई में 500 ml यानी आधा लीटर दूध फुल क्रीम डाल देंगे। जब दूध उबलने लगे फिर उसमें एक कटोरी सूजी यानी 200 ग्राम सूजी को हमने लिया है और धीरे धीरे उसे चलाते हुए सूजी डालते जाएंगे। दूध को धीरे धीरे चलाएंगे। ध्यान रहे जब दूध बॉयल हो जाए अच्छे से, एक उबाल आ जाए तभी इसमें सूजी डालना स्टार्ट करें और थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालते हुए उसे अच्छे से घुमाते रहें ताकि उसमें लम्स न बने। लगातार इसको चलाते रहें, धीरे धीरे मीडियम आंच में इसको चलाते रहें। ये सारी सूजी डाल दी हमने। थोड़ी देर इसको पकाने पर ये ऐसे थिक हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से थिक हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए इस तरह से इतना थिक हो जाइए, फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी पानी लिया है और लगभग 1.5 कटोरी चीनी ली है। जिससे हमने पानी नापा उसी से ही हमने चीनी नापी है। इसे हम उबलने के लिए रखेंगे जब तक चीनी पिघले नहीं। सूजी लगभग ठंडी हो गई है। इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है वो डालेंगे। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि सूजी पूरी तरह से ठंडी ना हो वरना वो जम जाएगी, मतलब इतनी हो कि आप उसे अच्छे से मसल सकें। उसको हम अच्छे से थोड़ा मसलेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, जो उसमें लम्स हो वो भी मिक्स हो जाए उसमें। फिर अच्छे से जब उसको हम हाथ से मसल देंगे तो इस तरह से हमने देखिए ओवल शेप में इसको आकार दिया है। थोड़ा थोड़ा उठा के आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, जैसा शेप चाहें आप उसे बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे तैयार करेंगे। चाशनी लगभग उबल रही है, देखिए ये देखिए। बस इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। इसमें 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ डाल दी हैं, 10-12 पत्तियाँ। ये देखिए कलर आ गया है, चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसे हम ढक के रख देंगे। देखिए हल्का सा ही चिपचिपापन आए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए हमें वरना गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। देखिए सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तेल बहुत ही मीडियम गरम हो, देखिए बिल्कुल ही मीडियम गरम है। इसमें थोड़े थोड़े जितने ही ऑयल हो उसी हिसाब से इसमें गुलाब जामुन डालें। मीडियम आंच में धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे। इसको डाल के थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपने आप ऊपर आ जाएं। देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर को आ रहे हैं ये। ये देखिए ऊपर को आने लगे ये। इसको इसके बाद ही धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे से, वरना ये नीचे से चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे चलाते हुए इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा इनको फ्राई करने पे। अगर हम तेज आंच पे फ्राई कर देंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इनको बहुत ही मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं देखिए। अब हम इनको निकाल लेंगे।
और चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो उसे गर्म कर लें, क्योंकि अगर ठंडी चाशनी में डालेंगे तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो चाशनी थोड़ी गर्म ही होनी चाहिए। अगर हम तुरंत ही उधर से निकाल के गुलाब जामुन तुरंत डालेंगे चाशनी में तो वो अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे, उसके बाद ही सर्व करेंगे। देखिए गुलाब जामुन तैयार हैं, कितने सॉफ्ट हैं। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।